ऐसी बेस्ट विशेस हैं। पहले तो सबको मेरा प्रणाम, और मैं कहना चाहूंगी कि मनोज जी की टीम में एज ए ब्रांड एम्बेसडर फर्स्ट टाइम जुड़ी हूँ, और आप देख सकते हैं कि 7 नंबर मेरा लकी है और हम लोग टॉस भी जीते हैं, तो डेफिनेटली जीतना तो हमें ही है। 7 नंबर धोनी का भी लकी है, आपका भी लकी है। जी बिल्कुल, 7 नंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 16 सितंबर है, तो 7 नंबर मेरा बनता है और 7 मेरा टी शर्ट पे है और टॉस हम जीत चुके हैं, तो मैच हम जीतने ही वाले हैं। क्या प्लानिंग रहेगी आपकी टीम की? टीम की प्लानिंग अगर अभी से बता देंगे तो थोड़ा सबको पता लग जाएगा, ये थोड़ा सा सीक्रेट है, और मनोज जी बैटिंग करने जा रहे हैं तो मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की है, क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार के लिए? मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ दिल से कि उन्होंने इतना सोचा भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, और हम लोगों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। हमारी फिल्में जो लोग नहीं देख पाते थे, जैसे महिलाएं थिएटर्स में नहीं देखती थी, एटलीस्ट फेस्टिवल के थ्रू जो अच्छी फिल्में हैं वो बाहर आएंगी और पब्लिक उसे देख सकेगी, इंडस्ट्री उसे देख सकेगी। क्या चाहती है कि कौन सी फिल्में वहाँ पे लगे? मेरी सजना मंगिया सजाए दे हमार वहाँ फिल्म लगनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो एक साफ सुथरी और बहुत अच्छी फिल्म है, जिसके डायरेक्टर ओम प्रकाश यादव जी है और उसमें हीरो मेरे कल्लू जी है। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और शायद अच्छे से लोग देख नहीं पाए उस फिल्म को, तो मैं चाहूँगी कि मेरी वो फिल्म वहाँ पे जरूर लगे। उत्तर भारतीय लिट्टी चोखा, वाह मेरा फेवरेट है। एक्चुअली मैं राजस्थानी फिल्म मैंने की है, तो वहाँ पे दाल बाटी चूरमा मिलता है, तो जब मैंने बिहार में शूटिंग की तो वहाँ पे लिट्टी चोखा मिला, तो ये सब लैंग्वेजेस जो हमने बना रखी है, मुझे लिट्टी बहुत पसंद है और लिट्टी चोखा मैं खाना पसंद करूँगी। लिट्टू एक ब्रांड बन रहा है, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी बात है, लिट्टू ब्रांड बन रहा है, तो ये तो मैं हार्डली कॉन्ग्रेचुलेशन कहूँगी उन लोगों को जिन्होंने इतना सोचा, इतना एक फूड है अपना समाज का आगे बढ़ा रहे हो, किसी भी तरीके से बढ़ा रहे हो, लेकिन अपने संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो खाने के द्वारा ही हो, एक लिट्टू हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।